सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश की नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मौजूदा हालातों के विच लॉकडाउन का एजुकेशन के उपर की असर पिया अते आने वाले समय के विच एजुकेशन के उपर कैड़िया चुनौतियों का सामना करना पवेगा, इस बाबत गलबात करन लई डीएवी कॉलेज के प्रिंसीपल एस के अरोड़ा जी कोल पहुंचे हैं। गलबात करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हालातों के की सिस्टम चल रहा है और आने वाले समय के किस तरीके रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप जिहड़ा आ बच्चों अते टीचर्स दे विच पै गया। सब तो पहले तो अरोड़ा साहब दैनिक सवेरा के उपर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और दैनिक सवेरा के सभी ही व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। मौजूदा हालातों की गल करिए एजुकेशन सिस्टम कितने क खड़ा तुसी देख रहे हो, क्योंकि तुहाडा काफ़ी लंबा तजर्बा है। देखिए, ऐसे है जो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा कि हमारे एक जो पहले सिस्टम चलता था जिसको हम गुरुकुल सिस्टम कहते थे एजुकेशन का, उसके अंदर क्या होता था कि उस सिस्टम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने गुरु के पास या स्कूलों कॉलेजेस के अंदर जो हैं वो जाते थे और वहाँ पे गुरु के पास बैठ के ही जो है वो शिक्षा ग्रहण करते थे। अब वो सिस्टम क्योंकि इतना पुराना हो गया और धीरे 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 उस सिस्टम के अंदर जो हैं वो कमियां जो हैं वो बढ़ती गई, जिससे क्या हुआ कि बच्चों के अंदर जो क्लासरूम टीचिंग है उसका एक रुझान जो है वो कम होना शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह से एडवांसमेंट आई, तो टेक्नोलॉजी जो बच्चे हैं, क्योंकि हर आदमी टेक्नोलॉजी यूज़ तो करना चाहता है, लेकिन हम उसको अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉपर नहीं ले आ पाए। हमने बातें तो की, हमने वर्चुअल क्लासरूम्स की बातें आज से तकरीबन 15-20 साल हो गए हमें बात करते हुए, लेकिन हम बाउंड्री लेस वर्चुअल क्लासरूम जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन के अंदर नहीं ला पाए। अब उसका फिर ये नुकसान हुआ कि हम सिर्फ एक ही सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करके बैठे रहे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो वो सिस्टम जो क्लासरूम टीचिंग है वो बंद हो गई। अब फिर दूसरा सिस्टम आ गया, अब जिसको हम कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो लगनी शुरू हो गई, लेकिन उसके भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो जिससे क्या है कि आज की डेट में जो एजुकेशन है वो इन बिटवीन जो है वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन के साथ और क्लासरूम टीचिंग के बीच का जो रास्ता है, ये मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन दे विच जिहड़ा ऑनलाइन दा सिस्टम इस वेले चल रहा, मैनूं लगदा कि ये लंबे समय तो गल्लां ते विचार हो रहे सी कि ऑनलाइन कर देना चाहिए, पर हुण जदों 2 महीने तो लगातार ये चल रहा है, इसनूं तुसीं किवें देखदे हो, ठीक है जां गलत है, जां गलत है तो उहदे विच कीड़ियां कीड़ियां चीज़ां नवीं ऐड होनियां चाहीदियां। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एक अब हम जब छोटे होते हैं हम एक पढ़ते हैं कि एक टच थेरेपी होती है, टच थेरेपी के अंदर बहुत सारी बीमारियां, जब मदर अपने बच्चे के ऊपर हाथ लगाती है तो वो बच्चे की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। इसी तरह से एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है ना, वो ऐसा रिश्ता है कि अगर जब तक आपका टीचर दिल से पढ़ाएगा नहीं, आपके सामने आई टू आई कंटेक्ट नहीं होगा, तो बच्चे की वो बात उसको समझ नहीं आएगी। यही मेन बेनिफिट था हमारा क्लासरूम टीचिंग का कि टीचर आता है, टीचर बच्चों को जो है वो अपने दिल से पढ़ाता है, और जो भी उसके बच्चे के अंदर जो चीज़ नहीं समझ लग रही उसके अंदर दिल के अंदर उतर के वो उसको समझाता था। अब देखो, बहुत समय पहले आपने देखा होगा दूरदर्शन के अंदर UGC के बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो चलते थे एजुकेशन के ऊपर, पर कितने लोग देखते हैं? मैं नहीं समझता 1% भी लोग वो देख पाते होंगे, क्योंकि अब उसके अंदर क्या था कि वो जो टीचर का आई टू आई कंटेक्ट है वो नहीं था, इसलिए वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुए। अब जब ये ऑनलाइन एजुकेशन हमारी अब आई है, इसके अंदर फ़ायदा है कि बच्चे अपने घर बैठे ही जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, बच्चे का आना जाना, वो ट्रैवल करना, वो सब चीज़ें मिस होगी। बच्चा जो है जो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, आपको पता है किस टाइम क्लास लगनी है, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके बेनिफिट तो हैं, लेकिन कमी कहाँ पे है? कमी है जो एक रिलेशन की है, जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो प्यार से पढ़ाने की बात है,
आई टू आई कंटैक्ट है वो मिसिंग है। तो वो चेंज की जरूरत हैगी है मौजूदा हालात के विच। वही मैं आपको बताने लगा था कि अब ये क्या है, अब हमें एक आपने एक वर्ड सुना होगा कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। जब हम कोई डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, तो नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो नेचर रिटेलिएट करती है। अब ये जो कोरोना वायरस आई, ये भी उसका एक कारण है, या जो हमारे आज रोज़ आप देखते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, या अनएक्सपेक्टेड रेन्स हो रही हैं, ये भी एक नेचर की रिटेलिएशन है। अब इसी तरह से जब हम एक सिस्टम के अंदर चलेंगे तो उसकी उतनी आउटपुट नहीं निकलेगी। हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह हमें एक मिडल पाथ जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि दोनों के बेनिफिट, दोनों के एडवांटेज जो है हम उनको जोड़ पाए। जिहड़ी तुसीं मैनूं लगता कि फायदे भी दसते ते उहदे नुकसान भी दसते, पर इहदे विच फिर गुरु ते शिष्य दा जिहड़ा रिलेशन आ उहदे बारे भी तुसीं दसता, पर इहदे विच बच्चे किस तरीके नाल फिर इस चीज़ नूं अडोप्ट करनगे? क्योंकि मैं ज़्यादातर देखदा, क्योंकि असीं भी स्कूलां कॉलेजां चों निकले हाँ, तो कुछ बच्चे जिहड़े क्लासां तों बाहर जिहड़े ज़्यादा देखे जांदे, फिर इस हिसाब नाल ऑनलाइन नूं सीरीयस लै लैणगे बच्चे? हाँ, मैं इसके अंदर अपनी एक सजेशन भी आपको दूंगा, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी को भी और जो भी एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए मैं चाहूँगा कि मेरी सजेशन के ऊपर गौर भी किया जाए। जो मैंने थोड़ा सा सोचा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। अब मेरा ये मानना है कि देखिए, एक एजुकेशन के अंदर एक सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ आज के समय में देखो, पहले जॉब्स वन पर्टिकुलर जॉब्स होती थी, भी हम टीचिंग में जाना है या क्लेरिकल जॉब के अंदर चला जाना है। आजकल जो है जॉब के अंदर डाइवर्सिटी आप देखते हो, नए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं। अब उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज़ द पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। अब जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो एजुकेशन दे देगी लेकिन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं होगी। ऑनलाइन जो दूसरा ट्रेडिशनल क्लासेस हैं उसका अपना फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मिक्स किया जाए। अब किस तरह से मिक्स किया जाए? अब हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एक ऐसा जो है वो अपना मॉड्यूल बनाना पड़ेगा कि जैसे पहले हम, मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, जो ऑड सेमेस्टर है, इसको प्योरली हमें ऑनलाइन ही रहने देना चाहिए। बच्चों को एक बार सारा एजुकेशन के साथ पढ़ा देना चाहिए। अब उसके बाद जहाँ तक रहेगी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की, जैसे कॉलेजेस के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, या दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो तो ऑनलाइन पे हो नहीं पाएंगी। अब उन चीज़ों के लिए हमें कम से कम एक महीने का यूनिवर्सिटी सिलेबस के अंदर ही मॉड्यूल होना चाहिए कि वो जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपके, वो एक महीना उस के अंदर कंपलसरी हैं। जैसे बच्चों के लिए हम देखते हैं कि जो बच्चों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है एक महीने की या दो महीने की, वो बच्चों के लिए कंपलसरी है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, बच्चों ने उस वहाँ जाना ही जाना है। इसी तरह से अगर हम वो एक मॉड्यूल बना देंगे तो वो उस महीने के अंदर, एक तो वो सारे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के प्रोग्राम होने चाहिए, उसके लिए हमारे पास टाइम मिल जाएगा, हो सकता है तब तक इसकी वैक्सीनेशन भी आ जाए, और बच्चे अपन उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो बच्चे कॉलेजेस के अंदर आके वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो भी उसको, पर कम से कम एक महीना हम क्लासरूम के अंदर दें। अब वो जो क्लासरूम के अंदर देना है, वो जो ऑनलाइन पढ़ा दिया गया है उसको टीचर रिवाइज कराएगा, बच्चों की जो उनको डिफ़िकल्टीज़ लगती हैं उनको रिमूव करेगा, और इंश्योर करेगा हर बच्चे से आपको जो है वो एक फीडबैक लेनी पड़ेगी कि भाई जितना सिलेबस तुझे सारा समझ लग गया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बाइंडिंग होना चाहिए सब इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि हर बच्चे से ये फीडबैक लीजिएगा कि वो सेटिस्फाइड है, जितना सिलेबस उसने घर पढ़ा था उसने सारा टीचर के साथ बैठ के सारा समझ लिया है, ताकि वो अपने पेपर के लिए वो आगे प्रिपेयर हो। तो दोनों को मिक्स करके, ब्लेंडिंग करके यूनिवर्सिटी क्यूरिकुलम के अंदर ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। इस दे विच फिर माँ प्यो का भी बहुत अहम रोल होगा। बिल्कुल, माता पिता का डेफिनेटली रोल होगा जी। अब जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं तो माँ बाप के सामने बच्चे बैठे, अब कई बार क्या होता है, कई बार पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं बच्चा घर से आ गया जी, अब उसने क्लास नहीं लगाई है, तो वो बात भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब कम से कम एक महीना, जब पाँच महीने बच्चे ने अपने घर बैठ के अपने माँ बाप के साथ पास साथ बैठ के जब क्लासेस लगाई हैं, बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो गया है, तो क्यों नहीं बच्चा सीखेगा। और एक चीज़ और देखिए,
हमें जिस चीज़ को हम लगातार करते रहते हैं तो हमारे अंदर उसका एक विगर खत्म होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा 5 महीने घर बैठेगा ना तो ऑटोमेटिकली आपने देखना कि बच्चे के अंदर एक इतना उसके अंदर मोटिवेशन होगी, बच्चा भाग के क्लासरूम के अंदर 1 महीना क्लास लगेगी ना तो डेफिनेटली वो 100% लगाएगा और ये बाइंडिंग होगी कि ये जो आप 1 महीना लगाया है वो जिस तरह से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वे भी उतने ही इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए और आपको ये कंपलसरी है। आखिरी दे विच मैं पूछना चाहुंदा कि यूनिवर्सिटी अते UGC दे वल्लों की हदायतां आईयां ने एग्जाम्स नूं लैके हुण अगलियां की रणनीतियां ने? ऐसे जी कि UGC ने एक जो है 2 हाई पावर्ड कमेटीज बनाई थी तो उसके अंदर एक जो कमेटी थी उसकी नए सेशन स्टार्ट करने के लिए और एग्जामिनेशंस के अंदर जो हैं उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। तो अभी जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो फ़िलहाल ये दी हैं कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्ट तो अभी पता नहीं है कि भी क्या होता है तो फाइनल वालों के तो वो एग्ज़ाम्स होने ही होने हैं। तो वो अभी उन्होंने जो टेंटेटिव कहा है वो ये कहा कि ये शायद जुलाई के अंदर जो है वो एग्ज़ाम्स होंगे और जो नया सेशन है वो जो पुराने बच्चे हैं वो अगस्त में शुरू होगा और जो नए बच्चे हैं वो सितंबर में होगा। बाकी ये डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि किस तरह के हालात हैं। अभी आज की डेट में ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो गई हैं। आखिर दे विच मैं चाहना कि बच्चियां नूं कुछ सुनेहा देना चाहुंदे हो जिहड़े घर बैठे ने। मैं सभी स्टूडेंट्स को जो है ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने अभी बताया कि एग्ज़ाम्स होने हैं, इसलिए एक तो सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि बच्चों आप अपनी घर बैठे, हमने कॉलेज की तरफ से आपकी सारी क्लासेस लगवाई हैं, आपका सिलेबस ख़त्म कराया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने HOD के थ्रू जितने भी मैंने आपके ऑनलाइन एजुकेशन के इंचार्जेस बनाए थे आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ द UGC हमने एक स्पेशल कमेटी भी बनाई है और जो उस कमेटी के मैंने सभी बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू उनकी डिटेल्स दी हैं, उनको भी बता दिया है कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की कोरोना के रिगार्डिंग हो, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो कि क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उन 5-6 मेंबर्स जो मैंने बनाए हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, आप उनको जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो हम कॉलेज की तरफ से आप सबको जो है वो जितनी भी आपकी सहायता या हेल्प हो सकती है हम वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद अरोड़ा साहब। सो चेंजेस जिहड़े ने वह जरूरी ने क्योंकि समय के नाल समय के बदलते सिस्टम नूं भी नाल बदल देना चाहिए, ता ही असी समय के नाल रल सकते हैं। तो बच्चों लई यही सुनेहा है कि UGC दे वल्लों हदायतां ये आ चुकियां ने कि जुलाई तक पेपर हो सकते हैं तो तुसीं घर बैठे इंजॉय तो जरूर कर रहे होंगे पर इंजॉय के नाल नाल अपनी पढ़ाई नूं भी जारी रखो ता जो जदों पेपर तुहाडे एकदम आउण तां तुहानूं ऐ ना लगे कि असी पढ़े नहीं आ, पढ़ाई नूं कंटिन्यू जरूर रखो। कैमरामैन मुकेश बावा दे नाल मनदीप सिंह, दैनिक सवेरा TV, जलंधर।